तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब बस मैं उठ गई हूँ और आज थोड़ा सा लेट उठी हूँ क्योंकि मेरे सिर में और यहाँ पे ना कहते हैं बहुत पेन है सर्वाइकल का, तो थोड़ा सा लेट उठी हूँ। अभी जस्ट मेरे डॉक्टर के यहाँ जाऊँगी, दिव्यांश को भी दवाई दिलवानी है और ख़ुद की भी दवाई लूँगी। मेरे यहाँ पे ये सब कहते हैं इधर पेन हो रहा है और बच्चे अभी सो रहे हैं, बस उसको भी उठाऊँगी। और आज बज रहे हैं 8:45 का टाइम हो रहा है। सो गाइज, यहाँ पे कहते हैं बज गए हैं 11 और हस्बैंड जा चुके हैं शॉप। और मैं गई थी सुबह, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर ने यहाँ पे मुझे ये टेनिस एल्बो पेन बताया है और मेरे इतना दर्द है, डॉक्टर ने कुछ भी करने के लिए मना कर दिया है। मतलब रोटी बेलने के लिए मना कर रहे हैं, कोई भी वेट नहीं उठाना है, अदरवाइज़ प्लास्टर चढ़ाना पड़ जाएगा। तो पेन बहुत ज़्यादा है, मतलब कि कहते ना कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि इतना पेन है। और दिव्यांश की तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक है अब, डॉक्टर ने कहा है। और कल है हस्बैंड का बर्थडे 16 मार्च, तो बस कहते हैं उनकी बर्थडे की प्रिपरेशन थोड़ी सी करूँगी और हेल्प लूँगी जीत की, क्योंकि मेरे को हाथ से थोड़ा सा मतलब कि स्ट्रेस नहीं लगाना है, मुझे स्ट्रेस नहीं देना है मतलब हाथ को, तो ना वज़न वगैरह उठाना है, तो मेरे बच्चे मेरी हेल्प करेंगे उसमें। और केक भी मैं जीत उधर हटो, एक्चुअली ये गोदी में लटा हुआ है मेरी, तो क्या कहते हैं बस केक भी मैं घर मतलब कि घर पे ही प्रिपेयर करूँगी सिंपल सा, जैसे कि आपको पता है ओरियो वाला केक बहुत सिंपल होता है, सभी को पता होगा, तो बस वही केक मैं प्रिपेयर करूँगी। और मतलब कि घर का ही लंच रहेगा, डिनर भी, क्योंकि बाहर का मैं अवॉइड करूँगी। इस समय कहते हैं डॉक्टर्स मना कर रहे हैं बाहर का खाने के लिए और मैं जा भी नहीं सकती दिव्यांश की, क्योंकि तबीयत ऐसी उसको घर का ही खिलाना है। तो बस अभी तक की अपडेट ये। और लंच में आज मैंने बनाए थे पराठे और तुरई की सब्ज़ी, और दिव्यांश को तो वही चावल और दही देना है अभी भी, और मेडिसिन खा ली है, मुझे भी मेडिसिन दी है और दिव्यांश की ने भी अपनी मेडिसिन खा ली है। और बस हस्बैंड शॉप चले गए थे और अभी बैठी हुई हूँ मैं थोड़ी देर, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। और जीत भी बैठा हुआ है मेरे पास, जीत भी बैठा हुआ है, दिव्यांश फ्रूट्स खा रहा था अभी। तो बस कहते हैं ये आ गया है, तो चलिए अब थोड़ी देर मैं रेस्ट कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ आगे क्या काम करूँगी। थोड़ी सी वेजीज ली है मैंने, तो उनको बस क्लीन करना है मुझे, लाइक एक तो मैंने लिया है मिंट लिया है और मटर ली है और ग्रीन चिली ली है मैंने, जो कि क्या कहते हैं अभी मैं उसका अगेन अचार डालूँगी जो कि मैंने उस दिन डाला था। तो उस दिन शायद मैंने आपको नहीं बताया था कि मैंने कैसा अचार बनाया, तो आज मैं आपके साथ रेसिपी उसकी शेयर करूँगी, जो सिंपल सा जो हरी वाली पत्ती वाली डेली यूज़ की जो मिर्चें होती हैं बस वही मेरे को डालनी है, क्योंकि वो मैंने एक बार डाली थी तो कहते हैं ये दिव्यांश बारा फ्लैश मार रहा है इतना बदतमीज है टॉर्च से, तो क्या कहते हैं बस कहते हैं वही वाला चार डालूंगी मैं, तो आपके साथ में शेयर करूंगी आज मैं क्या क्या करती हूँ दिन भर। और गाइस हम लोग यहाँ पे लेटे हैं और एक मिनट बनकर, और गाइस हम लोग यहाँ पर लेटे हुए हैं और देखिए चुन्ना यहाँ पे खेल रही है, उसको हम लेकर आए हैं। चुन्नू लेटर। और गाइस मैंने ये होममेड कैंडल रेडी की थी और आप अगर देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। सो गाइस कहते हैं बस शाम हो गई थी और जैसे कि आपने देखा मैं बस कहते हैं नीचे आई थी, तो मैंने कैंडल बनाई है अपने हस्बैंड की बर्थडे के लिए। तो मैं सोच रही थी बाहर से तो हर कोई लाता है लेकिन घर पे ही कुछ अच्छा सा बनाओ, और मेरे हस्बैंड को वैसे ही बाहर का कुछ भी पसंद नहीं है, चाहे वो कहते हैं खाना हो चाहे कोई और चीज़ें, हैंडमेड चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो नहीं ये तो नहीं कि कैंडल नहीं अच्छी, भले खाने की चीज़ें भी बात कर रही हूँ लेकिन ये सब चीज़ें अगर मैं अपने हाथ से करूँ तो मुझे भी खुशी मिलती है। तो बस कहते हैं ये मैंने कैंडल बनाई है बड़ी खूबसूरत सी, और बस मेरे पास कहते हैं कैंडल्स रखी हुई थी दीपावली की, तो वही बस मैंने मेल्ट करके बनाई है। और बस अब मैं केक बना रही हूँ हस्बैंड की बर्थडे के लिए, जिसके लिए मैंने बस जो मतलब कि बिस्किट वगैरह होते हैं बस वही मैंने क्रश किए हैं, मिक्सी में पीसे हैं, जैसे कि आपको दिखा सकती हूँ। ये बस मैंने बिस्किट लिए हैं, नीचे वाला ये जो है ये है बॉनबॉन के 2 पैकेट लिए हैं, एक ओरियो का लिया है और ये चीनी पीस लिए मैंने, और बस देखिए ये वाले बस 3 पैकेट लिए हैं मैंने बड़े वाले बिग साइज़। और बस अब जल्दी से केक बनाते हैं। सो गाइस अब मैंने यहाँ पे जो बिस्किट लिए हैं इसमें मैं मिल्क डालूँगी
और बस मिल्क डाल के हम इसको इसका जो है बैटर बना लेंगे। तो उसके लिए आप ले सकते हैं कोई भी बीटर। तो यहाँ पे मैं जो हूँ हैंड बीटर का यूज़ करूँगी। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसमें शुगर डाल सकते हैं अगर आप ज़्यादा शुगर खाते हैं तो। वैसे मेरी फैमिली को इतना सफिशिएंट होता है तो क्या कहते हैं ये आप कितना भी डाल सकते हैं। और ये मैं इतना सा बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ इसमें। तो हम इसे अच्छे से, इसमें कोई भी ना लम्ब्स नहीं रहना चाहिए, हम इसको इतना जो है बीट कर लेंगे। और इसमें थोड़ा सा इतना दूध और मैं ले रही हूँ तो ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि कम ना हो, थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है मुझे ये, तो मैं इसमें थोड़ा सा और बेकिंग सॉरी और दूध ऐड करा है मैंने इसमें। अभी भी मुझे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, थोड़ी थिक, तो इसमें थोड़ा सा और दूध मिक्स किया है मैंने। सो गाइस आप देख सकते हैं ये पूरा देखिए मिक्सचर ऐसे अच्छे से पोर हो रहा है। तो बस ये यहाँ पे ये जो कंसिस्टेंसी है केक की परफेक्ट है। सो ये बस कहते हैं हो गया है केक का बैटर रेडी। और इसमें इतना मेरे 3 बिस्किट में फुल उसमें ये 1.5 कप जो है वो मिल्क लगा है मेरा। सो गाइस मैंने यहाँ पे जो है ये कहते अपना एक कहते कांच का बोल लिया है और इसको मैं बनाने जा रही हूँ माइक्रोवेव में। तो बस ये मैंने यहाँ पे ना बटर से ग्रीस कर लिया है और कहते बस मैं इसको अब जो हूँ इसमें पोर करूँगी। अपना सारा बैटर हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए हम इसमें सारा बैटर जो है डाल देंगे। और ये चाहें तो आप कुकर पे ही बना सकते हैं। थोड़ा सा कहते हैं 1 कटोरी सॉल्ट डाल के उसको प्रीहीट कर लीजिएगा तेज आंच पे 10 मिनट के लिए। और उसमें आपके कहते हैं कुकर में जो है एक कहते हैं छलनी या फिर जाली रखिएगा। और जाली के बाद आप कहते हैं उसमें अपना केक को कहते हैं टिन को, जिसमें भी आप टिन वाले उसमें बना रहे हैं बाउल में, तो बस आप उसमें रख दीजिए इसको और ये बन के रेडी हो जाएगा। सो बस अब मैं इसको जो हूँ कहते हैं माइक्रोवेव में 7 मिनट्स के लिए रखूँगी और कहते हैं अपने आप बन जाएगा। चलिए रखते हैं फटाफट से इसको माइक्रोवेव में 7 मिनट्स के लिए। कोई प्री हीट नहीं करना है आपको ओवन को, कोई भी कुछ भी नहीं करना है। सो बस मैंने देखिए माइक्रोवेव में रख दिया है और इसको करते हैं बंद। और मैं आपको दिखा देती हूँ, ये माइक्रो का ऑप्शन है और इसको मैं सेट करूँगी, इसको 10 मिनट के लिए सेट कर देते हैं हम और स्टार्ट। और ये देखिए हो जाएगा। और गाइस इसकी फ्रॉस्टिंग के लिए देखिए मैंने ये बड़ी कढ़ाई ली है और इसमें मैंने नीचे जो है आइस क्यूब्स डाल दिए हैं इसको बर्तन को ठंडा करने के लिए। इसमें के अंदर मैंने एक रखा है स्टील का बर्तन। और फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने ये कहते हैं ली है विप करने के लिए क्रीम अमूल की, तो बस इसको हम जल्दी से भी विप करेंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं इसमें इतने मिनट बचे हैं और मैं अपना केक चेक कर लेती हूँ। सो कहते हैं यहाँ पे देखिए मैंने अभी ये चाकू डाल कर देखा था और ये देखिए बिल्कुल क्लीन निकल रहा है इसमें से बीच में से भी, तो हमारा केक ही परफेक्ट बन चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। सो गाइस अब हम इसकी करते हैं ये विप क्रीम बनाते हैं और इसके लिए मैंने ली है अमूल की क्रीम। और ये जो मैंने गाइस चीनी पीस के रखी है और इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी, और वैसे तो इसमें जाती है आइसिंग शुगर लेकिन मेरे पास इस समय आइसिंग शुगर अवेलेबल नहीं है, तो फिर मैं इसमें यही जो सिंपल सी मेरी जो शुगर थी यही मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें। ये बस मैं पिसे हुए 4 चम्मच डाल रही हूँ और थोड़ा सा इसको हम कहते हैं देने के लिए फ्लेवर डालेंगे इसमें वनीला एसेंस।
बेइज्जती हो रही है। निकले ही नहीं, हर बार यही होता है। कोई बार ऐसा नहीं किया होगा जो कि ये टूटा ना हो। कोई नहीं, इसकी गलत दिखेगा नहीं। और उसके ऊपर से ना वो थोड़ा कुछ अच्छे से करके डाल देना। ऐसे क्यों कर दिया? ऐसे तो करो नहीं तो। अरे नहीं, उल्टे से तुम शांति रखो। बन तो देखो कुछ लगता है। ऐसे करो। हाँ, ऐसे केक ऐसे तो होता है। सो गाइज़, यहाँ पे देखिए, मैंने केक बनने के बाद में ये कर दिया था, तेल गरम करने रख दिया है। और डिनर के लिए बना रही हूँ मैं बिरयानी, तो बस इसमें मैं डालूँगी जीरा। ये मैंने जीरा डाला और इसमें मैं डालूँगी ये कहते हैं प्याज कटे हुए। तो केक गाइस थोड़ा सा ख़राब हो गया, क्योंकि कहते हैं फ्रॉस्टिंग ना इतनी अच्छी हो नहीं पाई, क्योंकि आइसिंग शुगर से ही वो सही हो पाती है, बिफोर पाती है क्रीम, तो इस वजह से ऐसे ही हो गया है। बट कोई ना, इतना भी चलेगा, घर का है केक, तो बस इसको हम भून लेंगे अच्छे से। प्याज हम अच्छे से भून लेंगे अपने। और इधर ये जो है मैंने गरम पानी में सोक कर दी थी, कहते सोयाबीन की बरी। सो गाइस, थोड़ा सा केक जो है टूट भी गया है, और क्या कहते हैं, थोड़ी सी उस पर जो कहते हैं, अगर मैं आइसिंग शुगर से उसकी क्रीम को विप करती तो फिर ऐसे ही विप होती है, बहुत अच्छी विप होती है। लेकिन बस इतनी सी, और केक भी थोड़ा सा गर्म था और हस्बैंड आने वाले, तो मैंने सोचा फटाफट से जल्दी जल्दी कर देती हूँ मैं, इतनी देर में वो सेट हो जाएगा फ्रीजर में, तो बस ऐसे ही बना है। और अगर थोड़ा सेट हो जाएगा अभी, तो ऊपर से मैं हल्की सी जेम्स होती है, कैडबरी जेम्स, तो उससे बस डेकोरेट कर दूंगी केक को। और बस यही सिंपल सा केक रहेगा, क्योंकि हम लोग, यार शांत हो जाओ, तो थोड़ा सा क्या कहते हैं, मतलब कि सेट हो जाएगा वो। और मतलब कि बाहर का केक से तो बेस्ट है कि आप घर का ही खा रहे हो। हाँ ठीक है, बाहर के बिस्किट हैं, बट फिर भी कहते हैं अच्छा है कि आप बाहर की मैदा के केक से, हालांकि ये भी मैदा की बिस्किट है, बट फिर भी घर की चीज़ घर की होती है, बिस्किट तो हम वैसे भी खाते हैं। तो बस ये था, ऐसा नहीं है। और इस समय मेरी भी तबीयत ख़राब हो चुकी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे पेट में इन्फेक्शन वगैरह हो गया था, ड्रिप वगैरह चढ़ी थी मेरे, फिर दिव्यांश को भी वही चीज़ हुई है। तो डॉक्टर ने उसको बोल तो दिया है कि कुछ तुम खा सकते हो अभी हल्का फुल्का, बट अभी मुझे इतना कुछ बाजार गए, और बच्चे जब केक घर में आता है, केक चॉकलेट, तो वो रुक नहीं पाते हैं, तो इसी वजह से फिर मैंने घर का बनाया है। और बस कहते सारा खाना कल भी घर का ही होगा, मेन्यू कल मैं आपको बताऊंगी कि क्या होगा। और कहते हैं बस रात को 12 बजे केक कट करेंगे हस्बैंड का। और अभी जैसे कि मैंने बताया आपको, डिनर में बन रही है बिरयानी, तो ये वेज बिरयानी है। इसमें मैं बस अब आलू कट और करूँगी, बस छोटे छोटे आलू कट करूँगी, उसको बीच में से कहते हैं दो पीस करूँगी उसके, और इसमें ऐड करूँगी, आप चाहें जितनी वेजीज आपके मन की आप डाल सकते हैं, बिरयानी मसाला मैं डालूँगी, तो क्या कहते हैं बस वही सब चीज़ रहेगा, स्पाइसेस, हल्का सा गरम मसाला, बहुत गरम मसाला बल्कि नहीं डालूंगी, सॉरी बिरयानी मसाला ही डालूंगी, और हल्की सी बहुत मिर्च डालूंगी, और कुछ नहीं, और नमक बस, क्योंकि बिरयानी मसाले में सारे स्पाइसेस होते हैं, गरम मसाला वगैरह सब, तो और कुछ नहीं जाएगा, बस हल्का सा मिर्च और नमक जाएगा इसमें। और आप चाहें तो इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं, तो कहते हैं मैं दही ऐड नहीं कर रही हूँ, वैसे आप दही भी और अदरक प्याज वो सॉरी प्याज सॉरी लेस अदरक लहसुन का पेस्ट भी आप कहते हैं ऐड कर सकते हैं इसमें। तो बस यही है आज की डिनर रेसिपी, तो चलिए मैं जल्दी से बना देती हूँ। सो देखिए, प्याज ये मेरी भुन चुकी है पूरी, और बस गाइस इसमें मैं ये आलू जो है ये डाल रही हूँ, थोड़े से आप देख सकते हैं, ये पीसेस में आलू डाल रही हूँ, और ये सोयाबीन की बरी। और आलू के इतने बड़े बड़े पीस ही मेरे को बिरयानी में अच्छे लगते हैं, तो फिर बस यही मैं डाल रही हूँ। इसको थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे,
बस इसको हमें थोड़ा सा चला लिया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा इतना सा रेड चिली पाउडर, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे हम सॉल्ट। गाइज ये मैंने यहाँ पे बिरयानी मसाला लिया है तो मैं वो ऐड कर दूंगी। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। सो गाइज अब मैं इसमें डाल दूंगी सोक किए हुए राइस। और ये 3 कप राइस थे गाइस। सो बस फ्लेम अब मैं अपनी तेज कर दूंगी। फ्लेम तेज कर देंगे, थोड़ा सा राइस को हम सॉटे कर देंगे और इसमें चला देंगे, फ्लिप कर देंगे। सो बस पहले अब इसमें उबाल आने देते हैं। सो गाइस अब इसमें देखिए उबाल आ चुका है, तो अब मैं इसमें सीटी लगा दूंगी, लिड इसकी बंद कर दूंगी और इसमें 1 सीटी आने देंगे हम, और 1 सीटी के बाद इसको 2 मिनट के लिए बस मैं कहते हैं लो करूंगी इसकी फ्लेम और फिर बंद कर दूंगी। हेलो फ्रेंड्स, सो गाइस मैं ले जा रहा हूँ कुकर एंड इट्स रियल व्लॉगिंग। मम्मी हाय। अरे चल पागल सा। सो गाइस जस्ट हम लोग अब खाना खाएंगे एंड लेट मी शो यू हम लोग आज खाने में क्या खा रहे हैं। आज मम्मी ने बनाया है थोड़ी देर आ गए ऊपर, थोड़ी देर क्या आ ही गए रात के लिए सोने के लिए ऊपर। और जैसा कि आपको पता है कि हस्बैंड की बर्थडे है कल, तो कल इनकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और ये बैंड बंधा हुआ है हाथ पे जो कि मेरे दर्द बहुत है, तो आज सारी हेल्प मेरी जीत ने करी थी, मोस्टली और दिव्यांश ने भी, क्योंकि डॉक्टर ने रोटी बेलने से और सारे कुछ भी वजन उठाने से हाथ का बिल्कुल मना कर दिया है। तो बहुत पेन है, मतलब कि अभी ये बैंड बांध रखा है और मेडिसिन ली है तो थोड़ा सा पेन में रिलीफ है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा कहते हैं दर्द है मेरे। तो चलिए यही था आज का व्लॉग, और क्या कहते हैं कल मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में, इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, बर्थडे ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।